नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2022 जैसे जैसे आगे अब बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हर किसी की दिलचस्पी एक सवाल में है कि क्या सीएसके प्लेऑफ में जगह बना पाएगी, क्या महेंद्र सिंह धोनी की टीम वो करिश्मा कर पाएगी जो उन्होंने साल 2010 में किया था। तो हम कहेंगे जी हाँ, ऐसा हो सकता है। जो हम आपको पॉइंट टेबल का समीकरण जब मैं आप लोगों को अब समझाऊंगा, तो उस समीकरण के हिसाब से ऐसा हो सकता है कि धोनी की टीम प्लेऑफ में पहुंच जाए। वो कैसे, वो रास्ता कैसे जाएगा, वो मैं आपको समझाऊंगा। दरअसल अभी तक क्या है, अभी तक जो चौथे नंबर की टीम है वो है आरसीबी। आरसीबी ने 12 मुकाबलों में आरसीबी के 14 पॉइंट्स हैं। यहाँ पर आरसीबी के 2 मुकाबले बचे हैं, उसके बाद में दिल्ली, हैदराबाद और पंजाब। इन तीनों टीमों ने 11-11 मुकाबले खेले हैं और 11-11 मुकाबलों में इन तीनों टीमों के 10-10 पॉइंट्स हैं। अब सीएसके को क्या चाहिए, सीएसके को ये चाहिए कि आरसीबी, उसके बाद में हैदराबाद, पंजाब और दिल्ली, ये चारों टीम अपने आने वाले मुकाबलों में कम से कम 2-2 मुकाबले हारें। मतलब आरसीबी को अपने आने वाले दोनों मुकाबले अगर हार जाती आरसीबी, तो सीएसके के लिए उम्मीद बनेगी। उसके बाद में पंजाब, एसआरएच और दिल्ली, ये भी आने वाले तीन मुकाबलों में अगर 2-2 मुकाबले हारती हैं, तो सीएसके के लिए उम्मीद बनेगी। वैसे यहाँ पर धोनी को हार्दिक पांड्या की मदद की जरूरत है, क्योंकि आरसीबी का एक मुकाबला गुजरात टाइटंस के साथ होना है। अगर उस मुकाबले में गुजरात टाइटंस थोड़ा सा मदद करती है धोनी की सीएसके की और आरसीबी को हरा देती है, तो शायद मतलब कह सकते हैं कि सीएसके के लिए पहुंचना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आरसीबी की टीम शानदार फॉर्म में चल रही है, बढ़िया तरीके से उनके खिलाड़ी और गेंदबाज प्रदर्शन कर रहे हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन सीएसके के लिए एक छोटी सी खिड़की खुली हुई है। अगर आरसीबी अपने दोनों मुकाबले हार जाती है, तब सीएसके के लिए बहुत बेहतर होगा। उसके बाद में दिल्ली, पंजाब और एसआरएच को भी अपने आने वाले तीन मुकाबलों में से 2-2 मुकाबले हारने होंगे। ये चीज़ें कहनी आसान है, लेकिन हैं बड़ी मुश्किल। और अगर सीएसके को जीतना है, तो इन टीमों के 2-2 मैच हारने होंगे। तो आपका इस रिपोर्ट पर क्या कहना है, क्या आपको लगता है कि सीएसके अभी भी प्लेऑफ में पहुंच पाएगी, टॉप 4 में अपनी जगह बन पाएगी? लेकिन सीएसके को इसके लिए आने वाले अपने तीन मुकाबले भी जीतने पड़ेंगे और बड़े मार्जिन से जीतने पड़ेंगे, ये भी जरूरी है। क्योंकि सीएसके भी 11 मुकाबले खेल चुकी है, आने वाले 3 मुकाबले भी सीएसके को बड़े मार्जिन से जीतने पड़ेंगे। तो इसमें आपका क्या मानना है, आपको लगता है कि क्या सीएसके अभी भी पहुंच पाएगी, और क्या आरसीबी आने वाले दोनों मुकाबले अगर हारेगी, तो क्या सीएसके वो करिश्मा कर पाएगी जो साल 2010 में हुआ था? आपका जो भी मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।